का जिक्र किया। अब ये संकट भी है क्या, क्योंकि एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर ये कह चुके हैं कि जेल से सरकार नहीं चलेगी, कोर्ट ने हालांकि स्टे नहीं लगाया। भारतीय जनता पार्टी, तो ये भी संकट है क्या कि दिल्ली राष्ट्रपति शासन की तरफ भी बढ़ रही है। देखिए ये तो यही तो इनका मकसद था। भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया है? भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को दो कारणों से गिरफ्तार किया, एक कि वो लोकसभा चुनाव में कैंपेन ना कर सके, दूसरा कि आप दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिरा दें। ये दो कारण हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने देख लिया है, वो कितनी भी कोशिश कर ले वो अब दिल्ली में जीत ही नहीं सकते, उनको पता है। आप 2015 का चुनाव देखिए, 67 सीटें आई आम आदमी पार्टी की, इन्होंने हर संभव कोशिश करी, काम रोक दिया, एमएचए से नोटिफिकेशन निकाल लिया, चुनी हुई सरकार की ताकत छीन ली, लेकिन फिर भी 5 साल बाद नहीं। लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ आतिशी आपसे कि ये जो संकट राष्ट्रपति शासन का आप जिसकी तरफ इशारा कर रही हैं, ये होता हुआ दिख रहा है दिल्ली में? देखिए यही तो भाजपा 25 मई से पहले दिख रहा है या बाद में दिख रहा है? ये तो भारतीय जनता पार्टी का मकसद है, वो दिल्ली की सरकार गिराना चाहते हैं। वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार उनको पचती नहीं है। देखिए उन्होंने इतनी कोशिश करी, उसके बाद 2015 में हम जीते 67 सीटों के साथ, 2020 में उनकी हर कोशिश के बाद भी हम 62 सीटें लेके आ गए, फिर भी 90% से ज़्यादा सीटें दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी की। उसके बाद एमसीडी का चुनाव आया, एमसीडी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ना हारे उसके लिए उन्होंने एमसीडी भंग कर दी, एक नया कानून लेके आए, सारी सीटों की डिलिमिटेशन करी, एमसीडी का चुनाव और गुजरात का चुनाव एक समय पे करवाया, उसके बाद भी हार गए। तो देखिए अब उन्हें पता चल गया है वो कुछ भी कर ले वो दिल्ली में चुनाव जीत नहीं सकते हैं। तो राष्ट्रपति शासन तो इसलिए वो अब दिल्ली में बैकडोर से अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है, आप देखिए कुछ दिन में जरूर ये खबर निकल के आएगी। बार बार पिछले 2 सालों में इन्होंने हमारे विधायकों को अप्रोच करने की कोशिश की है, 1.5 महीने पहले भी हमारे 7 विधायकों से तो हमें पता चला था, जिनको बीजेपी ने अप्रोच किया था यही कह के कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे तो तुम्हारी पार्टी तितर बितर हो जाएगी, इसलिए इससे अच्छा भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, अब तुम्हें मंत्री बनाएंगे। तो आज भी आई एम श्योर भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही होगी, कर ही रही होगी। लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री की, होम मिनिस्ट्री की, सॉलिसिटर जनरल की मीटिंग्स चल रही हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। जैसा आप जैसे रिपोर्टर्स हमें बताते हैं कि ऐसी खाना फूसी वहां पे चल रही है। देखिए उन्होंने अपना होमवर्क किया हुआ है, ये अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट कोई एक दिन में नहीं हुआ है, इसकी प्लानिंग कई महीनों से चल रही है।